तो जो भारत में राजनीतिक दल की भूमिका हम देखेंगे, तो राजनीतिक दल को दल व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो बहुदलीय व्यवस्था व्यवस्था है जो ये भारत में राजनीतिक दलों की व्यवस्था है। तो ये एक बहुदलीय व्यवस्था है और इसमें क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल है, अनेक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल हैं। स्वतंत्र उपरांत एक दल की प्रभुत्व था जिसको रजनी कोठली ने कांग्रेस व्यवस्था कहा, और 1989 के उपरांत वास्तविक बहुदलीय व्यवस्था जो है वो प्रारंभ हुई। तो बड़ी संख्या में दलों के कारण क्या है? जैसे भारत में हमने कहा कि बहुत बड़ी मात्रा में दल हैं, तो इस बड़ी संख्या में दल के कारण क्या क्या हमको नजर आते हैं? तो इसमें सबसे पहला हमारा है कि समाज का बहुलवादी स्वरूप है। भारतीय समाज जो है इसका एक बहुलवादी स्वरूप है, जिसके कारण यहाँ पर बहुल समूह है। तो इस समूह को साधने के लिए और इनके हितों के लिए यहाँ पर जो है ये जो है बहुल बड़ी संख्या में दल है। तो राजनीतिक दलों में होने वाला विभाजन जो है वो इसको बड़ी संख्या में, जैसे समाज में एक तो बहुलवादी समाज है इसके कारण अनेक दल बनते हैं, और दलों में विभाजन होता है। जैसे सपा में मुलायम सिंह का धड़ा अलग हो गया और अखिलेश का धड़ा अलग हुआ, उसी प्रकार कांग्रेस में एनसीपी अलग हुई, कांग्रेस आई अलग हुई, इस प्रकार से बहुत जनसंघ में जनता दल आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, इस प्रकार से बहुत डिवाइडेशन हुआ। उसी बाद में भारतीय समाज में व्यक्ति पूजा की प्रकृति है, ठीक है। तो जो भी नेता अगर वो बड़ा नेता बनता है तो वो अपना एक अलग दल बनाने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। उसके बाद जो है, जो 1990 के दल बाद जो आरक्षण की नीति आई, उसमें अलग अलग वर्गों के जो है दल बनने चालू हुए। जैसे बहुजन समाज पार्टी जो है वो दलितों के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार कुछ दल श्रवणों के है, ठीक है। इस प्रकार अभी गठबंधन की राजनीति द्वारा संचालित जो है भारत की, जो हम अगर दलीय व्यवस्था की विशेषता देखें, तो सबसे पहले हो गया कि बहुल दल है, बहुत सारे दल है। फिर दूसरी विशेषता इसकी है कि गठबंधन की राजनीति, ठीक है। तो गठबंधन की राष्ट्रीय राजनीति है और दो राष्ट्रीय दलों की वरीयता है, ठीक है। जो केंद्र लेवल पर दो राष्ट्रीय दलों को वरीयता है, ठीक है। और बहुल क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दल बहुत सारे हैं और वो राज्यों में सरकारें भी बनाते हैं। तो दलीय अनुशासन शिथिल है, गठबंधन की राजनीति के द्वारा संचालित तो होते हैं, और दलीय अनुशासन का शिथिल होना भी गठबंधन की राजनीति का प्रमुख कारण, ठीक है। जो दलीय व्यवस्था की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पे दलीय अनुशासन बहुत ढीला है, ठीक है। और राजनीतिक दलों में वैचारिक प्रतिबद्धता की कमी है, ठीक है। और वैचारिक प्रतिबद्धता मतलब कि एक सिद्धांतों के आधार पर नहीं चलते हैं, ठीक है। और शीर्ष नेतृत्व तो हाई कमान को काफी महत्व दिया जाता है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, वंशवाद की प्रवृत्ति ज्यादा है, और दलीय व्यवस्था जो है दलीय हित राष्ट्रीय हित से ऊपर माने जाते हैं, ठीक है। तो अब ये है कि भारत में अनेक दल है लेकिन दल व्यवस्था नहीं है, ठीक। आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, ठीक है। और हाई कमान व्यवस्था है, बॉटम टू अप अप्रोच नहीं, अप टू बॉटम अप्रोच है, ठीक है। उसी प्रकार से जो एक जो योजनाएं हैं वो भी ऊपर से चलती है, और हर चीज केंद्र नियंत्रण है, ठीक है। वंशवाद की प्रवृत्ति है, ठीक। वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं, तो दल व्यवस्था नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है। दल तो अनेक है लेकिन व्यवस्थाएं नहीं है, ठीक है। और दल व्यवस्था के अगर नवीन आयाम में हम देखें, तो 1989 के बाद गठबंधन की राजनीति जो है वो जो है हुई है। पहले एक दलीय राजनीति थी, कांग्रेसी दिखाई देती थी, लेकिन अभी जो है वो गठबंधन, 1989 के बाद गठबंधन की राजनीति प्रचलन में आई, ठीक है। और गठबंधन की राजनीति हुए भी दो दल केंद्रीय स्थिति में जो कि गठबंधन का नेतृत्व करते हैं, एनडीए और यूपीए, जो गठबंधन होता है उसमें भाजपा और कांग्रेस ही नेतृत्व करते हैं। और जो गठबंधन की राजनीति है उसमें चुनाव में किसी एक दल को बहुमत प्राप्त होता है, नहीं है, उसमें अनेक दल मिलकर चुनाव, गठबंधन की राजनीति में चुनाव में किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता, अनेक दल मिलकर सरकार बनाते हैं, ठीक है। कम से कम दो भागीदार भारत में अनेक, ठीक है। तो गठबंधन की राजनीति में क्या होता है कि
कम से कम दो भागीदार होते हैं गठबंधन की राजनीति, लेकिन भारत में अनेक भागीदार हैं राष्ट्रीय और अन्य क्षेत्रीय दलों में शामिल हो, कम से कम दो भागीदार, और भारत में अनेक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों में शामिल होते हैं, ठीक है। और उद्देश्य सरकार बनाना और सत्ता संचालन ही होता है, ठीक है। कम से कम दो भागीदार और भारत में अनेक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल शामिल होते हैं, ठीक है। और कठोर सिद्धांतवादिता की जगह व्यवहारिक दृष्टिकोण से और साझा घोषणा पत्र और कार्यक्रम अपनाया जाता है, कठोर सिद्धांतवादिता की जगह व्यवहारिक दृष्टिकोण से साझा घोषणा पत्र और कार्यक्रम अपनाया जाता है। परिस्थितियां बदलती रहती है, ठीक है। तो गठबंधन की राजनीति के दौरान परिस्थितियां बदलती रहती है, क्या बोल रहा है। तो जो हम देखते हैं कि गठबंधन की राजनीति में कम से कम दो भागीदार होते हैं, और भारतीय राजनीति में तो इसमें कठोर सिद्धांतवादिता की जगह व्यवहारिक दृष्टिकोण से साझे घोषणा पत्र को अपनाया जाता है, और परिस्थिति अनुसार बदलती रहती है। जो ये गठबंधन की राजनीति है इसमें जो है परिस्थिति के अनुसार बदलाव होता रहता है। जैसे कि जो कोई दल है कि दूसरे दल के साथ गठबंधन करता है, वही अगली बार सत्ता में आने के लिए किसी दूसरे तीसरे दल के साथ जो है वो गठबंधन कर लेता है। इसके बाद जो है भारत में दो चरणों में गठबंधन की राजनीति का विकास हुआ है। पहला कि चुनाव से पूर्व गठबंधन, ठीक है, और उस ये जो चुनावपूर्ण गठबंधन होता है वो टिकाऊ है, और इसमें संवैधानिक एकता सिद्धांतिक एकता होती है। चुनाव से पहले जो गठबंधन होता है उसमें संवैधानिक एकता सैद्धांतिक एकता होती और अस्थिरता कम होती, लेकिन जो चुनाव के बाद गठबंधन होता है उसमें वो टिकाऊ नहीं होता, उसमें केवल एक सत्ता हथियाने के लिए जो है वो गठबंधन किया जाता है, सैद्धांतिक एकता वहाँ पे नहीं होती और अस्थिरता वहाँ पे ज़्यादा होगी। अगर किसी को जो अगर जो पद नहीं मिला तो वो गठबंधन टूटने की आशंका भी रहती है। इसके बाद जब इस गठबंधन की राजनीति की अगर आलोचना करें तो इसमें राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है। जो गठबंधन की राजनीति है इसके कारण राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है, राजनीतिक अवसरवाद को बढ़ावा मिलता है, और दबाव की राजनीति जिसमें कि जो बारगेनिंग की जाती है, बारगेनिंग संघवाद जो इसमें, ठीक है। इसके बाद जो राजनीतिक अस्थायित्व के कारण नीति निर्माण और क्रियान्वयन में देरी होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें मतलब अनेक दल होते तो वो कुछ न कुछ अड़चन लगाते रहते हैं, बड़े निर्णयों में कठिनाई होती है, जिसको नीतिगत पक्षाघात कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये जो गठबंधन की राजनीति है ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। तो इससे क्या होता है कि मतलब जो दल हैं छोटे छोटे दल और कुछ कुछ दो तीन लल्लू पंजू होते हैं, वो फिर मतलब सरकार को कहते हैं कि भाई अगर तुम हमको ये धनराशि या फिर ये लाभ नहीं दोगे तो हम आपसे समर्थन वापस ले लेंगे। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो इस जो गठबंधन की राजनीति के कुछ लाभ भी है, ऐसा नहीं कि इसके नुकसान ही नुकसान है, कुछ लाभ भी है। तो इस लाभ में लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें अधिक सहभागी छोटे दलों को सत्ता की भागीदारी दी जाती है, ठीक है। लाभ क्या है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था, अधिक सहभागी छोटे दलों को सत्ता में भागीदारी दी जाती है। 1989 उपरांत संवैधानिक शून्य को भरा, 1989 के उपरांत जो एक संवैधानिक शून्य में, क्योंकि कांग्रेस भी वहां पर बहुमत मतलब अपना जो खो चुकी थी आधार, और नए दल आ रहे थे, तो ऐसा तो नहीं कांग्रेस को हटा के एक ही नया दल आ जाए, तो छोटे छोटे दलों ने मिलकर जो है वो सरकारें बनाई। तो जो कांग्रेस के बाद जो शून्य एक क्रिएट हो गया था उसको दूर किया इन गठबंधन की राजनीति ने। इसके बाद जो संघात्मक ढांचा है वो मजबूत हुआ, क्षेत्रीय उपेक्षा को दूर करने में सहायता मिली। तो जो ये संघात्मक ढांचा को मजबूत किया, ये जो अपना ये है जो गठबंधन की राजनीति है इसने संघात्मक ढांचे को मजबूत किया और क्षेत्रीय उपेक्षा को दूर करने में सहायता की। और
अधिक उत्तरदायी राजनीति को बढ़ावा दिया। इसके बाद अगर हम देखें कि इसमें क्या सुझाव दिए जाने चाहिए, गठबंधन की राजनीति में क्या क्या परिवर्तन हो, तो इसमें चुनाव पूर्व गठबंधन को वरीयता देनी चाहिए और गठबंधन का नेतृत्व में जो सबसे बड़ा दल है उसी को उसका नेतृत्व प्रदान करना चाहिए और राजनीतिक दलों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से गठबंधन की राजनीति में भाग लेना चाहिए। तो इसके बाद जो है राज्य दल किसको कहेंगे और राज्य स्तरीय दल किसको कहेंगे, तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में वैध मतों का 6% अगर प्राप्त करें तो राष्ट्रीय दल किसको कहेंगे कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में वैध मतों का 6% प्राप्त करें और एक से अधिक राज्य में लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त करें। ठीक है, दो ये एक ही साथ होना चाहिए, जैसे लोकसभा या विधानसभा में 4 राज्यों में 6% मत प्राप्त करें और लोकसभा में ठीक है 4 सीटें प्राप्त करें। ठीक है, एक या एक से अधिक राज्य में लोकसभा में 4 सीटें जीते और 4 राज्यों में ठीक है विधानसभा या लोकसभा की 6% मत प्राप्त करें, ये तो पहला क्राइटेरिया। दूसरा ये होगा लोकसभा चुनाव में कुल सीटों का 2%, मतलब कि 11 लोकसभा सीटें जीत जाए तो वो राष्ट्रीय दल, मतलब 3 राज्यों में 11 सीटें जीतेगा तो वो राष्ट्रीय दल हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा ये है कि 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता अगर मिल जाती है किसी दल को तो वो राष्ट्रीय दल होता है। ठीक है, 3 पैरामीटर हैं ठीक है राष्ट्रीय दल होने के, तो पहला है कि 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल हो। ठीक है, दूसरा है कि लोकसभा चुनाव में 11 सीटें मिल जाए, लोकसभा चुनाव में 11 सीटें 3 अलग राज्य से 11 सीटें मिल जाए। और जो पहला क्राइटेरिया है उसमें क्या है कि 4 राज्यों के में विधानसभा या लोकसभा चुनाव में 6% आपको वैध मत होने चाहिए और जो है एक जो और 4 सीटें आपकी लोकसभा में होनी चाहिए। ठीक, ये आपका राष्ट्रीय दल का प्रोग्राम है। तो राष्ट्रीय दल के कुल मिला के 7 है जिसमें कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई, सीपीआईएम, एनसीपी और टीएमसी और बीएसपी उल्लेखनीय है। इसके बाद जो राज्य स्तरीय दल है इसमें राज्य लोकसभा और विधानसभा में वैध मतों का 6%, ठीक है उसमें भी लोकसभा और विधानसभा में वैध मतों का 6% और लोकसभा में जो है वो लोकसभा में 4 सीटें जीतने का वो प्रावधान था और इसमें भी विधानसभा में 2 सीट और लोकसभा या राज्यसभा में 6% मत उस राज्य के। ठीक है, और इसके बाद है कि विधानसभा कुल सीट का 3 मतलब 6 सीट विधानसभा में 3 सीट 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो वो 3 सीट या 3 सीटें जो भी अधिक हो वो इसमें प्रमुख है। लोकसभा चुनाव राज्य 25 सीटों पर 1 सीट, लोकसभा चुनाव राज्य 25 सीट 1 सीट लोकसभा। ठीक है, तो राजस्थान में कुल 8 सीटें अगर जीत जाए, मतलब लोकसभा चुनाव में राज्य 25 सीट पर 1 सीट जीत जाए वो लोकसभा व विधानसभा चुनाव राज्य में 8% मत प्राप्त करे तो वो राज्य दल हो जाता है। वर्तमान में प्रमुख राज्य राजनीतिक दल स्थिति कांग्रेस और कांग्रेस मूलवाद, तो सुहास पर्रिकर है इन्होंने कांग्रेस स्थिति का वर्णन करते हुए पतन की ओर बताया, कांग्रेस की स्थिति को पतन की ओर बताया, अंत की ओर बताया, स्वतंत्रता के बाद 3 चरणों में इसका वर्णन किया है। तो उसके बाद है कि प्रभुत्व का चरण, तो 1952 और 61 में प्रभुत्व का चरण आया, अंतर विरोधों का युग था। ठीक है, प्रभुत्व का चरण जो है 1952 से जो है 61 तक था, अंतर विरोधों का युग 1967 से 89 के बीच में हुआ और अस्तित्व का संकट जो है वो 1989 के बाद आया। तो अंतर विरोधों का चरण जो था उसके बाद है, सबसे पहले है अंतर विरोध का चरण, तो इसमें आंतरिक और बाह्य अंतर विरोध हुआ। ठीक है, तो इसमें आंतरिक जो
प्रतिरोध अंत विरोध था वो किसके कारण था, तो तानाशाही, वंशवाद, आंतरिक लोकतंत्र और चाटुकारिता का कारण आंतरिक अंतर विरोध था। और बाह्य अंतर विरोध अगर देखें तो नई राजनीतिक शक्तियों का उजड़ हुआ जिन्होंने पिछड़ा आंदोलन, ठीक है, जैसे लोहिया का गैर कांग्रेसवाद का नारा महत्वपूर्ण था और जाति का राजनीतिक महत्व भी महत्वपूर्ण था, ठीक है। उसी के बाद अस्तित्व का चरण आया, ठीक है, इसमें योग्य नेतृत्व का अभाव था। अस्तित्व के चरण के अंदर योग्य नेतृत्व का अभाव, वंशवादी राजनीति, हाईकमान कल्चर, विचारधारा और कार्यक्रम के स्तर पर ठहराव, बढ़ता भ्रष्टाचार और जाति धर्म आधारित नई राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ, ठीक है। योग्य नेतृत्व का अभाव, वंशवादी राजनीति, हाईकमान कल्चर, विचारधारा, कार्यक्रम स्तर पर ठहराव और बढ़ता भ्रष्टाचार और जाति धर्म आधारित नई राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ। उसके बाद जो है ऐसा वातावरण जिसमें ऐसा वातावरण जनता का बड़ा हिस्सा, ठीक है, यह महसूस हुआ कि कांग्रेस अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का कारण और बहुसंख्यक हित की उपेक्षा करती है, ठीक है। तो इस कारण भी कांग्रेस के अंदर अंतर विरोध बढ़ा। तो उसके बाद है दक्षिण पंथ का उदय हुआ कांग्रेस का, ठीक है। उसमें जो जनसंघ है 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में जनसंघ की निर्वाचन हुआ जिसमें दीनदयाल उपाध्याय प्रमुख नेता थे और जनता पार्टी को बहुमत मिला था उसमें, और आरएसएस की दोहरी सदस्यता होने के कारण इसको जनसंघ था उसको इसमें मतलब दोहरी सदस्यता होने के कारण धन निरपेक्ष कहने में परेशानी आ रही थी, ठीक है। तो इसको जनता पार्टी को जो है उस फिर इसको और अलग कर दिया गया भाजपा को, ठीक है। फिर जनसंघ के जनसंघ की एक पार्टी है, भाजपा के तीन सिद्धांत है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मतलब कि पश्चिमी संस्कृति नहीं भारतीय संस्कृति के आधार मूल्यों पर राष्ट्र का निर्माण हो, ये अपनी जो ये जनसंघ है इसकी एक प्रमुख विचारधारा है। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर राष्ट्र का निर्माण करना ये जनसंघ का एक सर्वप्रथम उनका है। उसके बाद जो गांधी का समाजवाद है, ठीक है, गांधीवादी समाजवाद मतलब कि पूंजीपतियों और श्रम का एक सहयोगवादी, ठीक है, और निजी संपत्ति और पूंजीवाद को मान्यता देना, निजी संपत्ति और पूंजीवाद को मान्यता देना इसका महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। और एकीकृत मानववाद इसमें पश्चिमी विज्ञान और तकनीक की स्वीकार धर्म से पश्चिमी विज्ञान और तकनीक को तो स्वीकार किया गया लेकिन धर्म से तथा जीवन अस्वीकार किया गया, ठीक है। और पश्चात विज्ञान और सनातन धर्म आधारित जीवन मूल्य इसमें एक प्रमुख चीज है, ठीक है। और भगवा लहर, थॉमसन हैंसन, ठीक है, भगवा लहर क्या, एक थॉमसन हैंसन नाम के व्यक्ति ने भगवा लहर को एक जो है वो दिया, जो नारा दिया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कांग्रेस का पतन जो है वो भगवा लहर का मुख्य कारण है, ठीक है। उसमें वामपंथ की विफलता, योग्य नेतृत्व थे जो ये जो अपना भारतीय जनता पार्टी इसका नेतृत्व बहुत योग्य है, ठीक है। इसमें जो संगठन आधार पर मजबूत है आरएसएस जो संगठन है वो 1925 में बन गया, और इसका काडर नियंत्रण जैसे कोई एक वोट देने वाला है तो वो कभी अंधभक्त है, और राष्ट्रवादी मुद्दों और विचारधाराओं पर बल दिया गया जो ये अपना भगवा लहर है इसमें राष्ट्रवादी मुद्दों और विचारधारा पर बल दिया, और कांग्रेस द्वारा अल्पसंख्यक की नीति की बहुसंख्यकों में प्रतिक्रिया ये भगवा लहर है। वामपंथ की विफलता के कारण तो ऐतिहासिक भूले गए, वामपंथ ने जो है पोखरण टू और जो ये अपना जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसका विरोध किया वामपंथ ने, ठीक है। और आपसी विभाजन इसके कारण जो है वो वामपंथ में जो आपसी विभाजन भी हुआ, ठीक है। और नेता अधिकांश जमीनी राजनीति से नहीं जुड़े हुए, जो वामपंथ है इसके नेता जो है वो एक बौद्धिक और छात्र राजनीति से और जिनका जनाधार और व्यवहारिक अनुभव बहुत कम है, ठीक है। 21वीं सदी वामपंथ विचारधारा आकर्षक नहीं है, ठीक है। और उदारीकरण उपरांत नई अर्थव्यवस्था, संगठित मजदूर की संख्या में कमी और असंगठित मजदूर बढ़ रहे, वामपंथ संगठनात्मक स्तर पर कमजोर हुआ, ठीक है। उदारीकरण उपरांत नए अर्थव्यवस्था, संगठित मजदूर संख्या कम और असंगठित बढ़ रहे, वामपंथ संगठनात्मक स्तर पर कमजोर हुआ, ठीक है। अब ये अगला आएगा कि तीसरा मोर्चा, तो इसमें 1989 और 1996 में
तीसरा मोर्चा बना, लेकिन उसमें वजन था, ठीक है, कांग्रेसी व गैर कांग्रेसी गठबंधन, ठीक है, ये तीसरा मोर्चा है, न तो कांग्रेस है न वाजपेयी है, ठीक है, और क्षेत्रीय दल बहुत सारे, क्षेत्रीय दल सारे, तो तीसरा मोर्चा की संभावना क्या है? तो आमतौर पर चुनाव पूर्ण बनता है, जिससे जनता में ये मैसेज जाता है कि ये केवल और केवल अवसरवादी छवि बनाता है, और बड़े नेता जो है होते इसमें बहुत सारे, तो इससे व्यक्तित्व टकराव होता है और अस्थायी होता है, और गठन जो है नकारात्मक राजनीति का उदाहरण है, ठीक है, जो चुनाव पूर्व होता है, और राजनीति के लिए सकारात्मक जो सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम है वो ये तीसरा मोर्चा नहीं दे पाता है। उसके बाद हम एक बात करें कि जो ये जो नेता है वो अधिकांश जमीनी राजनीति से नहीं होते, ठीक है, और दल में आपसी सामंजस्य भी नहीं होता था, ठीक है, इस कारण सफलता संदिग्ध है। आप जो पार्टी है इसने एक वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत की 2002 में, तो वर्तमान राजनीतिक दलों के प्रति अविश्वास और निराशा के कारण जो है नई वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था की चरण की, तो राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार और भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप नागरिकों का सुशासन से बढ़ती मांग, ठीक है, तो सुशासन से बढ़ती मांग से वर्तमान राजनीतिक दलों के प्रति विश्वास और निराशा, ठीक है, राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार इसके कारण आ पाई, ठीक है, भूमंडल का प्रमाण समूह नागरिकों का सुशासन की बढ़ती मांग, और जो जो भारतीय एनआरआई भारतीय का बहुत योगदान है, और लोक निवारण वाले और नारे, फिर मतदान व्यवहार, तो मतदान व्यवहार क्या है, वे कारक जिससे प्रभावित होकर जनता मतदान करती, जिसमें जाति क्षेत्रवाद नेता का व्यक्तित्व धर्म राजनीतिक दल की विचारधारा और कार्यक्रम ये सभी महत्वपूर्ण है। तो राजनीतिक स्थिति की आकांक्षा ये भी इसका कारण है, भाषा दल के नेता के लंबे समय तक सत्ता में रहना, ठीक है, तो आम चुनाव में मतदान परिवर्तनशील रहा, पहले दूसरे और तीसरे आम चुनाव में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत होना, नेहरू और शास्त्री के नेताओं के व्यक्तित्व के कारण जो है ये जो मतदान व्यवहार है वो कांग्रेस के पक्ष में रहा। उसके बाद जो इंदिरा गांधी थे उनका व्यक्तित्व और 20 सूत्री कार्यक्रम और गरीबी हटाओ के नारे और समाजवादी कार्यक्रम बैंकों का राष्ट्रीयकरण ने मतदान व्यवहार का इसमें प्रभावित किया। 1975 में जो आपातकाल लगा उसकी पृष्ठभूमि तानाशाही और विरोध का मुख्य चुनावी नारा बना, ठीक है, और 1980 में राजनीतिक स्थायित्व मुख्य चुनावी मुद्दा बना। उसके बाद अगर हम देखें तो 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के प्रति संवेदना की लहर कारण बना। 1989 में भ्रष्टाचार और बोफोर्स घोटाला चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण रहा। उसके बाद 1991 में मंडल आयोग और राम जन्मभूमि और राजीव गांधी की हत्या की संवेदना लहर इसने बढ़ावा दिया, और 1996 में और 1998-99 में राजनीतिक अस्थायित्व आरक्षण राम जन्मभूमि विवाद से मतदान व्यवहार प्रभावित हुआ। 1904 में उदारीकरण और शाइनिंग इंडिया के नारे के प्रतिक्रिया के रूप में मतदान व्यवहार हुआ। उसके बाद जो है अगर हम देखें तो उसके बाद हमको 2009 में सामाजिक न्याय RTI भोजन का अधिकार इसके तहत जो मतदान व्यवहार देखने को मिला। उसके बाद 1914 में भ्रष्टाचार महंगाई नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के कारण मतदान व्यवहार प्रभावित होता था, और 2019 में नागरिक समाज और प्रमुख आंदोलन जिसमें समाज जो है वो राज्य परिवार, ठीक है, नागरिक आंदोलन जो है उसमें समाज क्या है, तो समाज के तीन अंग है, राज्य परिवार और सिविल सोसाइटी, ठीक है, तो ये जो सिविल सोसाइटी है वो सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य करते हैं लेकिन सरकार से बाहर है, इसमें राजनीतिक दल NGO महिला संगठन पर्यावरण संगठन और बुद्धिजीवी शामिल है। तो जो समाज का वह हिस्सा जो राज्य से अलग है लेकिन सार्वजनिक जिंदगी से मुद्दे को उठाता है, इसमें NGO जिसमें मानव अधिकार महिला पर्यावरण संगठन और राजनीतिक दल शामिल है। नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु समय 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 पर आंदोलन होते रहे, इसमें राज्य पर दबाव बनाया गया है। तो मानवाधिकार आंदोलन जो हम देखें तो 19वीं शताब्दी में सती प्रथा विधवा विवाह और दलित और अस्पृश्य की राजनीति के कारण मानवाधिकार आंदोलन बढ़ा।
स्वतंत्रता पश्चात प्रकृति, जो हम अगर देखें मानवाधिकार आंदोलन में, तो 10 जनवरी 1948 को मानवाधिकार घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया यूएन में, और मूल अधिकार और डीपीएसपी में, भारत के मूल अधिकार और डीपीएससी में इसके आदर्शों को शामिल किया गया, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो जो आपातकाल में मानवाधिकारों का बहुत बुरी तरह से जो ख़त्म किया गया, ठीक है, तो आपातकाल से पहले जो है वो कमज़ोर थे मानवाधिकार और संख्या कम थी, ठीक है। इस 1948 में बंगाल में सिविल लिबर्टी कमेटी गठित की गई, जिसने साम्यवाद के विरुद्ध सरकारी दमन का विरोध किया, ठीक है। और 1960 में अनेक संगठन बने, जैसे एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट और आंध्र प्रदेश सिविल राइट प्रोटेक्शन कमेटी। तो नक्सलवाद का दमन करने पर सरकार द्वारा हिंसा का विरोध किया गया, इनके द्वारा सरकार का विरोध किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद लगा आपातकाल, तो आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन किया गया और विरोध करने पर विभिन्न हिस्सों में जो ये जो PUCL और PUDR, पब्लिक यूनियन ऑन सिविल लिबर्टी और पब्लिक यूनियन ऑन डेमोक्रेटिक राइट, इन्होंने जो सरकार का है वो विरोध किया इमरजेंसी के दौरान। इसके बाद में जो एक जो मेनका गांधी का केस हुआ, उसमें भी जो है मजबूत हुए डेमोक्रेट इसमें राइट। 1990 में HR आंदोलन तेज हुए और नई आर्थिक नीति और समाज में नई चुनौती पैदा की, ठीक है। तो नई परिस्थिति में भूमिकरण को बढ़ावा देना और विस्थापन की समस्या को हल करना, ये मुख्य मुद्दा रहा सिविल समाज का। आर्थिक विषमता मुख्य रहा, भूमंडीकरण के कारण मीडिया मजबूत हुई और मानवाधिकार आंदोलन तेज हुआ। 1993 में मानवाधिकार कानून, राष्ट्रीय ह्यूमन राइट आयोग का गठन किया गया। अब चुनौतियां क्या क्या है, तो जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था, इसको जो मानवाधिकार आंदोलन है इसको जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था, और केवल एक छोटा वर्ग, बुद्धिजीवी, लेखक, वकील, सोशल मीडिया सरकार पर दबाव बनाने के लिए इसका उपयोग करते थे। मानवाधिकारों के नाम पर विकास योजनाओं का विरोध करते थे। NRI, वित्तीयन और विदेशी अनुदान भ्रष्टाचार से इसका अनुदान होता था। तो सरकार पुलिस जो है के बल के प्रयोग की निंदा, जनता की हिंसा पर ध्यान नहीं देती। सरकार पुलिस के बल प्रयोग की निंदा और जनता द्वारा की हिंसा ध्यान नहीं देती थी। तो पर्यावरण आंदोलन हम देखें तो स्वतंत्रोपरांत अपनाई रणनीति, विकास की रणनीति का आंदोलन था, ठीक है। तो इस पर्यावरण आंदोलन की अगर विशेषता देखो तो केंद्र में पर्यावरण रक्षा के साथ आर्थिक और सामाजिक मुद्दे भी जुड़े थे। सतत विकास को अपनाने पर बल दिया गया था और गांधीवादी सत्याग्रह के रूप में अपनाए गए थे, और संगठनात्मक ढांचे का अभाव था। इनके पास जो पर्यावरणीय संगठन है, इनके पास संगठनात्मक ढांचे का अभाव था। तो इसमें चिपको मूवमेंट अगर देखें तो उत्तराखंड में तत्कालीन UP, ठीक है, 1971 में सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद और गोरा देवी के नेतृत्व में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक आंदोलन किया गया। चिलिका झील में जो एक झींगा मछली होती है, तो उसको जो पालने का लाइसेंस एक कंपनी को दिया, तो उसके विरोध में मछुआरों ने गांधीवादी तरीके से आंदोलन किया। नर्मदा बचाओ, जो नर्मदा नदी 5वीं सबसे बड़ी नदी है और गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहती है, मतलब इसके संबंधित हैं, तो 1961 में बांधों की श्रृंखला, 3000 बांधों की श्रृंखला, जिसमें सबसे बड़ा सरदार सरोवर बांध था, इसकी उद्देश्य जल विद्युत और सिंचाई परियोजना थी। तो मेधा पाटकर ने इसका जो विस्थापित थे उनके जो अधिकारों के संरक्षण के लिए जो किया, तो लगभग 100,000 जने विस्थापित हुए। और 1995 जो SC में केस हुआ और निर्माण पर रोक लगी, लेकिन 2000 में रोक को हटाया गया। तो महिला आंदोलन का हम देखें तो स्वतंत्रतापूर्ण महिला आंदोलन स्वतंत्र रूप में नहीं थे, ठीक है, बल्कि ये समाज सुधार या आंदोलन का और राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा थे, जैसे सती प्रथा, विधवा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो थे ये मतलब किसी दूसरे आंदोलन के भाग थे, लेकिन स्वतंत्रता पश्चात ये व्यापक समाज सुधार का हिस्सा बने, ठीक है। महिला आधारित विशिष्ट मुद्दों का स्वतंत्रता पूर्व जो है ये स्वतंत्र नहीं थे, व्यापक जो है इनकी नहीं थी, और दूसरे जो आंदोलन थे उनके ही भाग थे, और महिला आधारित विशिष्ट मुद्दों का अभाव था, ठीक है। दूसरे मुद्दों के साथ कभी कभी महिलाएं गाहे बहगाहे आ जाया करती थी। महिलाओं के लिए
महिलाओं के द्वारा नहीं था, ठीक है, विश्व के महिला आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं था, एक पृथक अपना रखता था, लेकिन संविधान ने जो स्वतंत्रता के बाद में सार्वभौमिक वेश, मताधिकार और राजनीतिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, ठीक है, और शिक्षा के वृद्धि होने से चेतना भी बढ़ी और सेवाओं व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, और वास्तविक तेजी 1974 के बाद आई जब यूएन में 1975 से 85 के दशक को महिला दशक के रूप में मनाने का निर्णय लिया और भारत समर्थन व कमेटी का गठन किया, जिसने जो 1954 में रिपोर्ट दी उसमें फॉरवर्ड इक्वलिटी टुवर्ड इक्वलिटी नाम की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें भारत में महिलाओं में ने औपचारिक समानता प्राप्त कर ली लेकिन वास्तविक समानता महिलाओं को नहीं मिली। तो इस रिपोर्ट में टुवर्ड एक जो आपकी जो इक्वलिटी इस रिपोर्ट में 1954 में जो महिलाओं के लिए एक कमेटी बनी जिसने टुवर्ड इक्वलिटी नाम की जो एक ये अपना रखा, तो इसमें इसने कहा कि महिलाओं को औपचारिक समानता तो मिली है लेकिन वास्तविक समानता नहीं मिली। तो वास्तविक समानता के लिए महिला सशक्तिकरण पर बल दिया जाना चाहिए और इसके बाद महिला संस्कृतिकरण को केंद्र में महिला आंदोलन तेज हुआ, ठीक है, केंद्र में रखकर। तो महिला आंदोलन के प्रमुख रूप अगर देखें तो शराबबंदी, दहेज विरोधी, यौन उत्पीड़न विरोधी और पर्यावरण आंदोलन मुख्य। तो इसकी विशेषताएं देखें तो स्वतंत्रता पूर्व फोर वुमन था और स्वतंत्रता के पश्चात फोर एंड बाई वुमन था। स्वतंत्र और हिंसा नहीं थी, और जो स्वतंत्रता के पास जो ये स्वतः आंदोलन था और कुरुति से लड़ना ही इसमें मुख्य लक्ष्य था, लेकिन स्थित जो स्वतंत्रता के बाद स्त्री संबंधी विशिष्ट मुद्दों को केंद्र में रखा गया, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व ये जो जुड़ा हुआ नहीं था और स्वतंत्रता के पश्चात विश्व महिला आंदोलन से पूर्णतः जुड़ा हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे कि जाति जो ये अपने जो संभावित क्षेत्र हैं जो टकराव के, उसमें जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, आर्थिक विषमता, नक्सलवाद और आतंकवाद मुख्य। तो नक्सलवाद जो है उसमें विचारधारा आधारित आंदोलन है और सशस्त्र संघर्ष द्वारा निजी संपत्ति और भूमि संबंधों को पूंजीवाद को समाप्त कर नई सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहता, ठीक है, तो विचारधारा आधारित है और सशस्त्र संघर्ष द्वारा निजी संपत्ति और भूमि से पूंजीवाद को समाप्त कर नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बनाना चाहता है। तो नक्सलबाड़ी चारू सान्यान और कानू मजूमदार ने नक्सलबाड़ी से इसकी शुरुआत की। तो माओवाद जो है उसमें माओ से चुंग चीनी जो क्रांति है उसको इसने किया, तो ये जो माओ से तुंग थे वो काल मार्क्स के अनुयायी थे। तो माओ ने मार्क्सवाद में थोड़ा परिवर्तन किया, तो माओ ने क्या कहा कि केवल हिंसा और अधिक खलल दिया, तो इस माओ ने कहा कि बंदूक की नोक से शक्ति निकलती है, ठीक है, और इन्होंने जो मार्क्सवाद ने औद्योगिक सर्वहारा वर्ग का जो कॉन्सेप्ट था उसको इसने भूस्वामी जो जमींदार वर्ग था उससे प्रतिस्थापित किया, ठीक है, और जो भूमिहीन मतलब मजदूर को जो है ये छोटे किसानों से प्रतिस्थापित किया। तो इसके उदय के कारण हम देखें तो भूमि सुधारों में विषम विफलता थी और शिक्षा का प्रसार और बढ़ती वर्ग चेतना की कमी इसमें थी, ठीक है, वर्ग चेतना बढ़ी और उदारीकरण के बाद नक्सल आंदोलन में तेजी आई क्योंकि बढ़ती आर्थिक विषमता और देशी विदेशी कंपनियों द्वारा नए क्षेत्रों में उद्योग के लिए भूमि आवंटन की गई। तो अर्बन नक्सलवाद क्या है, तो नागरिक समाज के ऐसे व्यक्ति जो स्वयं सशस्त्र नक्सल आंदोलन में भाग नहीं लेते लेकिन अप्रत्यक्ष साधनों से उन्हें सहायता देते हैं और मजबूत भी पहुंचाते हैं, तो चंदा एकत्र करना चाहते हैं, न्यायालयों में बचाव करना, अखबार प्रेस मीडिया में पक्ष रखना, बुद्धिजीवी, सफेद पोश, कवि, वकील आदि शामिल हैं। इसमें सामाजिक आर्थिक सुधार और पुलिस शामिल है। उसके बाद हम बात करें कि संभावित क्षेत्र अगर देखें टकराव के, तो इसमें असमानता, बढ़ती हुई असमानता, सामाजिक असहिष्णुता, प्राकृतिक संसाधनों और जंगल आदि का नियंत्रण, साइबर अपराध और डिजिटल डिवाइड ये प्रमुख क्षेत्र हैं। अब हम देखेंगे विश्व राजनीति। तो विश्व राजनीति में सबसे पहले हम देखेंगे यूएनओ। तो विश्व राजनीति की अगर हम बात करें तो इसमें 24 अक्टूबर 1945 को 193 देशों ने मिलकर
नहीं, ये तो वर्तमान में 24 अक्टूबर 1945 को 51 देश ने न्यूयॉर्क में जो है इसकी स्थापना की, और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में था। वर्तमान में 193 देश हैं और सबसे नया दक्षिणी सुदान है। तो संयुक्त जो यूएन है इसके उद्देश्य क्या है? तो इसमें चार्टर में चार उद्देश्य दिए गए: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, और विभिन्न देशों के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों को बढ़ाना, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक समस्या समाधान करना, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। और चौथा उद्देश्य है उद्देश्य निम्न उपयुक्त उद्देश्य प्राप्ति हेतु विभिन्न देशों की गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए केंद्र की भूमिका निभाना। तो इसके सिद्धांत क्या है? संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत है सर्वराष्ट्र समानता, सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के लिए समान है, यूएन चार्टिकल का पालन सभी देशों को करना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान करना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान यूएन द्वारा किया जाएगा, और सदस्य देश आक्रमण नहीं करेंगे और एक दूसरे घरेलू मामले हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यूएन चार्टर के विरुद्ध कार्य करने वाले देश की सहायता नहीं की जाएगी। अब ये रचना अगर देखें तो सबसे पहले महासभा, तो महासभा विधि निर्माता निकाय की बात ही है। प्रत्येक सदस्य की सदस्य मतलब जो भी यूएन का सदस्य है वो अपने ऑटोमेटिक महासभा का सदस्य हो जाता है। तो न्यूयॉर्क में प्रतिवर्ष अधिवेशन होता है नवंबर में, तो 5 सदस्य एक देश से जाते हैं और एक मत देते हैं, ठीक है। और महासभा एक अध्यक्ष होते हैं और 21 उपाध्यक्ष निर्वाचित होते हैं, और सामान्य प्रश्न पर साधारण बहुमत से निर्णय लिया जाता है, और विशिष्ट प्रश्न पर 2/3 बहुमत से। कार्य क्या है संयुक्त महासभा से? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा चार्टर संबंधी अन्य मामलों पर विचार करना और सुझाव देना। कार्य क्या है इसके? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा चार्टर संबंधी अन्य मामलों पर विचार करना और सुझाव देना, सुरक्षा परिषद रिपोर्ट जो है वो विचार करना, ठीक है, और यूएन अंग से संबंधी मुद्दों पर विचार करना, यूएन अंग से संबंधी मुद्दों पर विचार करना, संयुक्त राष्ट्र के आय व्यय पर विचार करना, ठीक है। अब जो है इसके बाद क्या है? तो शांति के लिए एकता का प्रस्ताव, शांति के लिए एकता प्रस्ताव, ठीक है। तो 1950 में कोरिया संकट के दौरान जो है पारित किया गया शांति के लिए एकता प्रस्ताव। उद्देश्य क्या है? विटो के प्रभाव को कम करना और सुरक्षा परिषद को सक्षम बनाना। विटो के कारण संविधान जो जो सुप्रीम जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी असफलता की स्थिति में 24 घंटे की अल्प सूचना पर महासभा के सदस्य देशों के बहुमत से सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव से महासभा को बैठक बुलाई जाती है, और महासभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर कार्यवाही का निर्देश दे सकती है, ठीक है। तो इसमें यह है कि अगर कोई वीटो पावर का यूज़ करता है तो उसके वीटो पावर के यूज़ को महासभा के द्वारा खारिज किया जा सकता है। सुरक्षा परिषद क्या है? तो ये कार्यकारी बहुमत है, और बुशमैन के अनुसार विश्व का पुलिसमैन है। इसमें 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक तो होते हैं स्थायी सदस्य, ठीक है, पी भाई, और एक होते अस्थायी सदस्य, ठीक है। महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो इसके कार्य क्या है संयुक्त सुरक्षा परिषद के? तो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की रक्षा करना, संबंधित देशों के लिए बातचीत करना, ठीक है, अगर 2 देशों में विवाद है तो बातचीत करना, विवाद में मध्यस्थता करना, और आर्थिक प्रतिबंध लगाना, और सैनिक कार्रवाई करना, ठीक है। पहले दोनों में बातचीत कराना, ठीक है, और विवाद के में बातचीत कराना, दोनों को बातचीत करने के लिए कहना, बातचीत नहीं करे तो खुद जाके वहाँ पर सेटलमेंट करना, नहीं तो फिर आर्थिक प्रतिबंध लगाना, नहीं तो फिर उस पर सैनिक कार्रवाई करना, ठीक है। तो सुरक्षा परिषद वीटो या फिर निर्णय निर्माण, ठीक है। तो जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है उसमें प्रक्रिया संबंधी में सामान्य जो बहुमत से लिया जाता है, 9 जिसमें बहुमत होगा वहाँ से लिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो तात्विक मुद्दे हैं उसमें कम से कम 9 सदस्य तो हो, लेकिन साथ ही 5ों देश जो है वो हो सहमति हो तो ही वो प्रस्ताव पारित होता। तो दोहरा विटो क्या है कि कोई विषय प्रक्रिया संबंधी या तात्विक संबंधी विषय है तो इसका निर्धारण भी सुरक्षा परिषद ही करती है। तो निर्धारण करना अपने आप में तात्विक विषय माना गया,
व्यवहार में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य दो बार, मतलब स्थायी सदस्य दो बार वीटो का प्रयोग करते हैं। तो वीटो की आलोचना अगर देखें तो कई बार सुरक्षा परिषद को विफल बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की रक्षा नहीं हो पाती। जैसे सीरिया में जो असद ऋषि में, तो ये भयंकर मानवाधिकार हनन कर रहा है, लेकिन रूस हर बार उसके वीटो पावर ले आता है। तो इससे कहीं ना कहीं जो है ये अंतर्राष्ट्रीय हजन को विघ्न मिल जाता है और एक देश विश्व जनमत पर भारी पड़ जाता है वीटो कारण। वीटो का महत्व क्या है? व्यवहार में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए जरूरी, क्योंकि महाशक्ति सहमति के बिना कोई विश्व में बड़ी सैन्य कार्रवाई की जाती है तो वर्ल्ड वार का कारण हो सकती है। ठीक है, तो वीटो कारण सुरक्षा परिषद केवल वही निर्णय लेती है जिन्हें संयुक्त दूर करने में सक्षम हो। ठीक है, पन्यास परिषद क्या है? तो 12 सदस्य, पन्यास सदस्य परिषद के 12 सदस्य हैं और पन्यास क्षेत्र का प्रशासन उपनिवेशिकों को बढ़ावा देना। ठीक है, उपनिवेशीकरण की समाप्ति के बाद अप्रासंगिक हो गई। तो आर्थिक सामाजिक परिषद जो है 54 सदस्य होते हैं आर्थिक सामाजिक परिषद के, जो 3 वर्ष के लिए महासभा द्वारा निर्धारित होते हैं। तो जो ये जो है आर्थिक सामाजिक परिषद, ठीक है, तो इसमें जो है आर्थिक सामाजिक विषय पर विचार विमर्श किया जाता है। यूएनओ विभिन्न जो अभिकरणों की गति में समन्वय होना, आईएलओ, डब्ल्यूएचओ और यूनेस्को में जो है समन्वय होना चाहिए। तो आर्थिक सामाजिक विषय पर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ठीक, उसके बाद 1946 में हेग में आईसीजे की स्थापना की गई। 15 जज महान न्याय महासभा द्वारा निर्वाचित होते थे। ठीक है, 9 वर्ष के लिए एक न्यायाधीश निर्वाचित होगा और बहुमत से निर्णय लिए जाएंगे। वो राजनीतिक मामलों पर विचार नहीं देता, केवल कानूनी विषय पर ही, पॉइंट ऑफ लॉ पर ही विचार आईसीजे के द्वारा दिया जाता है। तो आईसीजे के क्षेत्रधर 3 प्रकार के, स्वैच्छिक, संबंधित देश स्वेच्छा से प्रस्तुत हो, या फिर अनिवार्य, स्वयं घोषणा करे, देश जो है स्वयं घोषणा करेगी इन इन मुद्दों पर वो जो है वो इसके बाद जाएगा आईसीजे के पास, तो उन मुद्दों पर जाना ही पड़ता है। परामर्शदार्थी, सदस्य देशों अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उसमें परामर्श मांग सकते हैं। और फिर है आपका सचिवालय, तो अभी सचिवालय का महापुरुष महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। तो प्रशासनिक अंग जो है वो सचिवालय है, अस्थायी रूप से कार्य करता है। महासचिव जो है वो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है उसका, और निर्वाचन सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा 2/3 बहुमत से किया जाता है। तो महासचिव जो है वो अन्य कार्मिकों की नियुक्ति करता है, सचिवालय का संचालन करता है और यूएन के कार्यालयों की गतिविधियों में समन्वय करता है। यूएन का महत मूल्यांकन करें तो पिछले 7 दशकों में यूएन की उपलब्धि विचार किया जाए तो राजनीतिक उपलब्धि कमजोर है, लेकिन सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी सफल रहा है। 1945 में यूएन की स्थापना के बाद में विश्व में जो लगभग 150 बड़े छोटे युद्ध हुए हैं, लेकिन अधिकांश युद्धों पर फैसला युद्धरत देशों के बीच सीधी वार्ता या फिर तीसरे देश के द्वारा हुआ है। जैसे 1962 में चीनी आक्रमण में संयुक्त राष्ट्र केवल मूकदर्शन बना रहा, यूएसएसआर और अमेरिका के दबाव में चीन ने युद्ध विराम कराया, बड़े क्षेत्र पर कब्जा किया था चीन ने। 1965 में भारत पाक युद्ध, ताशकंद समझौते जिसमें सोवियत संघ ने मध्यस्थता की के द्वारा ही सुलझापूर्ण हुआ। 1971 में भारत पाक द्विपक्षीय विशिमला समझौता जो है वो भी जो है इसके कारण ही सुलझा, जो है द्विपक्षीय से ही सुलझा। और कश्मीर मामला यूएन में विवादित हुआ और भारत का पक्ष न्यायपूर्ण होने के बाद भी कश्मीर विवादित हो गया, यूएन विफल रहा, अरब इलाही संघर्ष भी ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया। अब